अरे और कोई है क्या? चलो चलो। चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, वैसी तो कोई बात नहीं, बस थक गई हूँ। तो ठीक है, अब अंदर आओ ना। प्लीज कम। मैं मानसी को छोड़ने आया था, अब मैं चलता हूँ। रुको, एक मिनट। कहाँ चल दिया जनाब? तुम मानसी को लेकर आए हो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा तुम्हें। तुमने दो प्रेमियों को मिलवाया है, इस रोमांटिक शाम को एक जाम के साथ थोड़ा और रोमांटिक बनाते हैं, प्यार का नशा चढ़ाते हैं। नो थैंक यू सर, मुझे चलना चाहिए। जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसका हाथ किसी और के हाथ में खुद ही देना पड़ रहा है। अच्छा, लूजर है तू बहुत बड़ा। दोस्तों, जो मैं कर रहा हूँ ना वो भूल के भी कभी मत कर। अगर किसी लड़की को पसंद करते हो तो पहले उसे पूछ लो उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अपना रास्ता क्लियर। नहीं तो तुम्हारे इस बेचारे से दिल के टुकड़े 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 हो जाएंगे मेरे दोस्त, वरना मेरी तरह तड़पते रह जाओगे। किस्मत ही रूठी है भाई। दोस्त, कुछ दिन और रुकते तो अच्छा लगता। नहीं नहीं दोस्त, मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है फिर। ओके। माधव सुनो, एक मिनट यार। सुनो शंकर, आजाब मैडम का सामान लेकर आओ। मानसी का लगेज क्यों मंगवाया यही सोच रहे होंगे ना आप? तुमने क्या सोचा, इसकी फटी हुई इज्जत मेरे गले बांध दोगे? कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम दोनों। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मुझसे शादी करके मुझे बर्बाद करना चाहती थी, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? धोखेबाज कहेगी। ये बात मुझे कैसे पता चली, यही सोच रहे हो ना तुम? उस दिन मैं सरकारी अस्पताल की स्ट्राइक आज से खत्म हो चुकी है। ताज़ा खबर के अनुसार अमरपुर रेलवे स्टेशन पर एक लड़की के साथ दिन दहाड़े बलात्कार। लड़की का नाम मानसी बताया जा रहा है। लड़की को काफी चोटें भी आई हैं। इस हादसे में दो लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। हेलो दीपक, हम अब अमरपुर पहुंच गए हैं। ट्रेन में जिनसे मुलाकात हुई वो हमें अपने घर खाने पर लाए हैं। एक और बात बताऊं, मैंने तुम्हारी वो फर्स्ट गिफ्ट वही वो ऑरेंज कलर की ड्रेस वही पहनकर आ रही हूँ। मुझे लगा तुम खुद ये बात मुझे बताओगी, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझसे गलती हो गई। I'm very sorry, दीपक। क्या चाहती हो तुम?
कि मैं इतनी बड़ी बात को भुलाकर तुमसे शादी कर लूं। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना दीपक। उस प्यार की खातिर ही मुझसे क्या करूँ, क्या करूँ इस प्यार की खातिर? किस मुंह से ले जाऊंगा अपने माँ बाप के सामने तुम्हें? अगर तुमसे शादी कर लूंगा तो इस समाज में सिर उठाकर जीना मुश्किल हो जाएगा मेरा। तुम चाहती हो मैं खुद की जिंदगी बर्बाद करूँ? हाँ, तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी ये बात मैंने सोची भी नहीं थी दीपक। इसके साथ जो भी हुआ उसमें इसका क्या दोष है? मैंने ही इसे तुम्हें बताने से मना किया था। दीपक, ये तो मरना चाहती थी लेकिन मैंने इसे रोका। मैंने कहा कि तुम इससे सच्चा प्यार करते हो और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मानसी तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है दीपक। जो गलती इसने की नहीं उसकी सजा इसे मत दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। बड़ी पैरवी कर रहा है भाई तू इसकी। लगता है बहती गंगा में तूने भी हाथ धोए। अगर माधव के बारे में एक और गलत लफ्ज मुंह से निकाला तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कमीने! माधव, छोड़ दो माधव। शाबाश, सही है, आग दोनों तरफ बराबर है। हाँ, चलो निकलो। ऐसा मत करो। आइंदा अपना मुंह मत दिखाना। मेरी बात तो सुनो दीपक, प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे शादी कर लो। तुम मुझे इस तरह से निकालोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी बताओ? तुम्हारे सहारे ही मैं अब तक घर छोड़कर आई हूँ। मुझे अपना लो प्लीज दीपक। मानसी बहुत अच्छी लड़की है दोस्त, प्लीज इसे अपने आप से दूर मत करो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ दीपक, प्लीज ऐसा मत करो। चल आई। खुद की इज्जत तो बर्बाद कर ली लेकिन मैं अपनी इज्जत बर्बाद नहीं करने दूंगा। आई सर गेट आउट। मानसी
आप जानते हो उसे? हाँ बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वो मैं बाद में बताऊंगा दद्दू, पहले मानसी से मिलवा दीजिए। बताइए ना कहाँ है वो? अरे वो देखो वो आ गया। मानसी मेरी पोती। दादाजी खाना लाई हूँ। ये तो आपकी मानसी है दद्दू, मेरी मानसी नहीं है। मानसी मानसी हर महादेवा। कौन आ रे बाड़ा तू? किसको शोधता इधर? अपनी मानसी को ढूंढ रहा। बेटा तू शंकर देव में विश्वास रख, वो तेरा मानसी को जरूर मिलाएगा। ये रे इधर पास में मेरा घर है, जब तक तेरा मानसी नहीं मिलेगा तू उधर ही रहने का। तेरा प्यार सच्चा है तो तेरा मानसी तेरे को जरूर मिलेगा। वो देख उधर ही रहता हूं मैं। इकड़े बैठ। का पानी लेके आओ। अभी लाती है। तू बिल्कुल फिकर नहीं करने का, तेरा मानसी तेर को जरूर मिलेगा। इनसे मिलिए, मेरा भाई को है शारदा नाम है। नमस्कार। लगता होश आ गया। अरे रे 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 ये तो नीचे गिर गई। उठ रे बेटा आराम से उठ। कैसा लग रहा है? बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माता। सब ठीक हो जाएगा मानसी, देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा मानसी। अरे बाबा तुम लोग कौन है और ऐसा कैसा हो गया तुम्हारे साथ? बाबा हमारे साथ हादसा हुआ था। लेकिन बाबा मानसी आपको कहां पर मिली? माता अब मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगी। अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलने का, अब मैं कैसे जीऊंगी? आपकी बेटी को रामपुर के पास किसी गांव में देखा गया है, एक लड़के के साथ। अपनी मर्जी से रह रही है शायद।
गर्मा गर्म खाना हाजिर है। चलो खाओ। मुझे नहीं खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहते मानसी, कितने प्यार से बनाया उन्होंने, थोड़ा सा खा लो प्लीज। नहीं। एक गुड न्यूज दूं तुम्हें, कल हम दोनों यहाँ से शहर जाने वाले हैं और वहाँ किसी अच्छे से हॉस्पिटल में किसी अच्छे से डॉक्टर से तुम्हारी आंखों का इलाज करवाएंगे। इस अंधेरे में ही बहुत सुकून है, अब यही मेरी किस्मत है। प्लीज माधव, मुझे किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, क्यों ना हम लोग यही रह जाएं? ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले खाना खाना होगा, बाकी बातें खाना खाने के बाद। मुंह खोलो। माधव, बचपन से ख्वाहिश थी कि माँ की गोद में सर रख के आराम से सो जाऊं, क्या बस एक बार तुम्हारी गोद में सो सकती हूँ। चल के थोड़ी देर सो जाओ। हाँ चलो उठो, उठो चलो उठो, आ जाओ उठो, शाबाश।